और गरम तेल में, तेल भी गरम हो चुका है काफी, और इसको ज्यादा फ्लेम पे ही तलता है ना, मीडियम फ्लेम पर तलता है। फ्रेंड्स आज हम देखने वाले हैं पाव वड़ा का मेकिंग। आपने वड़ा पाव के बारे में तो सुना होगा, बट पाव वड़े के बारे में बहुत कम सुना होगा, तो हम देखते हैं कि ये पाव वड़ा एग्जैक्टली है क्या। ये कैसे बनती है? आलू मिर्ची लहसुन, आलू मिर्ची लहसुन सब पेस्ट करके, मतलब जो जिससे वड़े बनते हैं उसकी चटनी होती है ये, और ये से बन के नीचे ये पोटैटो की स्टफिंग को नीचे लगाया जाता है। और ये इसमें डाला बेसन, जिसमें पाव डुबो के तल लेंगे वो जैसे वड़ा पाव के वड़े बनते हैं वैसे पाव वड़े को भी इसमें डुबो कर तल लेंगे। नमक, बेकिंग सोडा, इसको भी अच्छी तरीके से मिल लेंगे, मिक्स कर लेंगे। इसका बैटर गाढ़ा होता है, थोड़ा मीडियम मीडियम, ज्यादा गाढ़ा भी नहीं ज्यादा पतला भी नहीं। और अभी ये पाव को इन्होंने बैटर में डाला और गरम तेल में, तेल भी गरम हो चुका है काफ़ी, और इसको ज़्यादा फ्लेम पे ही तलता है ना, मीडियम फ्लेम पर तलता है। तो अभी एक एक करके जाएगा, और मतलब पाव वड़े और वड़ा पाव में डिफरेंस क्या है भैया? हाँ हाँ, मतलब वो दोनों अलग अलग रहता है और ये दोनों एक साथ रहता है मिक्स। और ये मतलब पाव वड़ा डिश का की है? नासिक की, नासिक की है ना।
और इसकी प्राइस क्या है? एक ना एक पर पीस की 15 रुपये पर पीस। और जब आपने स्टार्ट किया तब कितनी थी पर पीस की? 7 रुपये की। नासिक में रह रहे हो तो ये जगह आपको ज़रूर ट्राई करनी चाहिए, इनके पाव वड़े बहुत फेमस है। जो नासिक में पवन नगर में गणपति मंदिर है उसके सामने सिडको में वहाँ पे इनकी शॉप है। और महाराष्ट्र में आप कोई ब्रेकफास्ट ले रहे हो तो उसके साथ मिर्ची तो आपको जरूर मिलती है, सोनी मिर्ची। मिर्ची के ऊपर नमक, इसके साथ लाल चटनी जो अभी हमने देखी, ये ज्यादा स्पाइसी होती है? स्पाइसी मीडियम स्पाइस। और इसके साथ अभी मिर्ची।